देखिए, इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं प्रयागराज, यहाँ पर परीक्षार्थी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है जरा जानिए। तो फिलहाल तस्वीरें ये प्रयागराज से आ रही हैं, जब हम तमाम अभ्यर्थी जो हैं, परीक्षार्थी जो हैं, इस वक्त हाथ में तख्तियाँ लेकर प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तो ये परीक्षार्थी हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। भारी संख्या में प्रयागराज में मौजूद हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं तमाम प्रत्याशी। तो ये देखिए, तमाम जो परीक्षार्थी हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक साझा कर रहा है। हाथों में तख्तियां हैं, पोस्टर्स हैं और मांगे उनकी अपनी हैं। तो कई मांगों को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। इस वक्त प्रयागराज में परीक्षार्थियों का ये प्रदर्शन है जो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। सड़कें पटी हुई हैं, इन परीक्षार्थियों से आप देखेंगे कई मांगों को लेकर परीक्षार्थी इस वक्त हल्ला बोल रहे हैं। प्रयागराज की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकास मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। विकास, तमाम परीक्षार्थी हम सड़कों पर देख रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ इनका कहना है? देखिए, पीसीएस और आरओ एआरओ के हजारों कैंडिडेट आज प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। कई राज्यों से लोक सेवा आयोग का घेराव करने पहुंचे हैं। देर रात से ही लगातार सोशल मीडिया पर पोस्टर वायरल हो रहा था और दिल्ली से कई सैकड़ों बस से अभ्यर्थी प्रयागराज पहुंचे हैं। इनकी मांग है कि पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षा एक दिन कराई जाए, नॉर्मलाइजेशन यानी कि मानकीकरण की प्रक्रिया निरस्त की जाए। एक तरफ कैंडिडेट ने चेतावनी दी है कि आयोग जब तक एक दिन परीक्षा कराने और नॉर्मलाइजेशन को निरस्त करने का नोटिस जारी नहीं कर देता है तब तक वे धरने पर रहेंगे। दूसरी तरफ आयोग की तरफ से जो सचिव हैं उन्होंने परीक्षा की तैयारी के लिए सभी जिलों के जिला अधिकारियों को जो 21 नवंबर को बैठक बुला ली है और आयोग दो दिन में परीक्षा कराए जाने की डेट भी घोषित कर चुका है। ऐसे में प्रयागराज के जो डीसीपी गंगानगर हैं उन्होंने तमाम फोर्सों के साथ वहां पर मॉक ड्रिल और तमाम चीजों को लेकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़े इंतजाम किए हैं और अभ्यर्थियों के ऊपर जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार गुस्से में थे उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की भी बात सामने आ रही है, लेकिन किसी तरीके कोई हताहत की खबर नहीं है। और जिस तरीके से अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपने प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों पर अड़े हैं और पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। देखिए, जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कुछ कहा गया है? क्योंकि हम देख पा रहे हैं भारी संख्या में अभ्यर्थी इस वक्त सड़कों पर जुट चुके हैं, तो फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई अभी तक? देखिए, जिला प्रशासन की ओर से इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है क्योंकि लगातार जिस तरीके से लोक सेवा आयोग का जो आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर होने वाली जो परीक्षा है उसको दो दिन में कराए जाने की मांग को लेकर यह कार्रवाई की गई थी, जिसको लेकर जो डेट निर्धारित की गई थी और तमाम चीजों को लेकर प्रयागराज में अभ्यर्थी जो दूर दराज से आए हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं। पुलिस प्रशासन भी लगातार जो छात्र हैं, जो उपद्रवी छात्र हैं, उन पर लाठीचार्ज कर दंगा नियंत्रण को लेकर तमाम चीजों को लेकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात की और जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वहां पर उनके ऊपर पानी की बौछार करके उनको दूर। लेकिन विकास, से बड़ी बात है कि इतनी संख्या में अभ्यर्थी सड़कों पर जुट गए, क्या सरकार को, क्या जिला प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को इस बात का इल्म नहीं था कि इतनी संख्या में अभ्यर्थी जुटने वाले हैं? देखिए, तमाम चीजों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कुछ दिन पहले से ही ये ट्रेंड चल रहा था और लगातार जो दिल्ली के मुखर्जी नगर से लेकर जो तमाम दिल्ली के बड़े बड़े कोचिंग संस्थान है वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो देर रात सैकड़ों बसों से प्रयागराज के लिए रवाना हुए थे और तमाम जनपदों से जो उत्तर प्रदेश के कई जनपद हैं वहाँ से जो अभ्यर्थी जो तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो लगातार रवाना हुए थे और बड़ा प्रदर्शन प्रयागराज में करने की चेतावनी दिए थे अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती। हालांकि छात्रों से जब हमारी बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर परीक्षा एक दिन में नहीं कराई जाती है तो वो अपनी मांगों पर अड़े रहेंगे और प्रयागराज में और भी उग्र प्रदर्शन होगा। जी, और इसके अलावा अभी इनकी क्या मांगे, कब तक ऐसे धरना प्रदर्शन बैठते रहेंगे, क्या अनिश्चितकालीन है, क्या माने?
साफ तौर पर जो छात्र हैं, जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनकी मांग यही है कि अगर आयोग अपनी बातों पर अड़ा रहा, यानी कि 2 दिन में परीक्षा कराई जाएगी, तो ऐसे में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे और भी जो बिहार के पटना से तमाम जो स्टूडेंट हैं वो भी प्रयागराज आने की तैयारी में हैं, और जिस तरीके से जिला प्रशासन है वो कई जनपदों के और जो कई जनपद ने प्रयागराज जनपद में ही कई थाने हैं, कई चौकियां हैं, वहां के फोर्सों को इकट्ठा कर लिया है, और जो रिजर्व पुलिस लाइन के जो कर्मचारी हैं, जो पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको इकट्ठा किया गया है, आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में कोई दुर्घटना न हो ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन भी सख्त रवैया अपना रहा है और छात्रों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज कर रहा है। देखो देखिए, क्या जेल भरो भी हो रहा है क्या माने? नहीं, अभी इस तरीके की कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन जिला प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि अगर कोई भी छात्र उपद्रवी और किसी भी तरीके कोई घटना कारित करता है तो वैसे में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आईपीएस लेवल के जो जिले के अधिकारी हैं उनको तैनात कर दिया गया है, और जल्द ही सूचना मिल रही है कि जिले के जो पुलिस कमिश्नर हैं और जो अपर पुलिस कमिश्नर हैं वो तमाम अफसरों के साथ वहां पर पहुंचेंगे और छात्रों से बात करने की भी कवायद की जा सकती है। लेकिन अभी तक जो छात्र हैं वो अपनी मांगों पर अड़े हैं, और जिस तरीके से जो लोक सेवा आयोग है वो 2 दिनों में परीक्षा कराए जाने की बात कह रहा है, उसकी डेट निर्धारित कर दिया गया है, और जैसे ही पीसीएस यानी कि आरओ एआरओ की परीक्षा को लेकर जो डेट निर्धारित किया गया था उसके बाद से ही जो छात्र हैं, जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, वो लगातार प्रदर्शन करने की सोशल मीडिया से लेकर पोस्टर के जरिए तमाम जगहों पर अपनी चीजों को लेकर अड़े हुए हैं। और अब जिस तरीके से प्रयागराज में यह घटना सामने आ रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी चुनौती जरूर है जिला प्रशासन को लेकर। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या लोक सेवा आयोग इनकी मांगे मानता है या छात्र ऐसे ही उग्र प्रदर्शन करते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो सड़कों पर उतरे हुए तमाम अभ्यर्थी, और अब चुनौती यहाँ पर प्रशासन की ये हो गई है कि कैसे इनको यहाँ से हटाया जाए। हाथों में तख्ती हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, और अब यहाँ पर यूपीएससी और आरओ परीक्षार्थी मैदान में जुटे हुए हैं, मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो सड़कों पर इस वक्त लगातार बने हुए हैं, मांगे यहां पर लगातार की जा रही हैं। फिलहाल देखिए, यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन है। इस वक्त अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया और आयोग के अंदर जाने की मांग पर अभ्यर्थी लगातार विरोध कर रहे हैं। फिलहाल देखिए, स्थानीय प्रशासन को इस बात का इल्म भी नहीं कितनी संख्या में अभ्यर्थी मैदान में जुट जाएंगे और प्रदर्शन करने लगेंगे। तो जहाँ तक आपकी नज़र दौड़ रही है, जहाँ तक नज़र दौड़ा रहे हैं आप देख पा रहे हैं, वहाँ पर अभ्यर्थी आपको अभी मांगों के साथ नज़र आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस को वहाँ से खदेड़ना भी पड़ रहा है, लाठी चार्ज भी करना पड़ रहा है।
देखिए दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, जहां